क्या करना चाहिए? देखिए, मैया सम्मान योजना जो है, योजना का हम सम्मान करते हैं, लेकिन यह सीधा सीधी धोखाधड़ी है, सीधा सीधी धोखाधड़ी है। यह प्रभावित करने के लिए, लेकिन आम जनता जानती है कि चुनाव के लिए ये जुमलाबाजी है। अच्छा सर, ये जो सीजीएल का एग्जाम हुआ, उसमें जो है बीजेपी को लाया जा रहा है कि बीजेपी षड्यंत्रकारी है, परंतु वहाँ पे 2 लाख जो छात्र जो है अभी जेएसएससी के दफ्तर के बाहर बैठे हुए हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं कि उनका एग्जाम जो हम उन छात्रों के साथ हैं, और जितनी भी नियुक्ति हो रही है सभी नियुक्तियों में भ्रष्टाचार से कोई खाली नहीं है, भ्रष्टाचार सहित है। इसीलिए पिछला एग्जाम भी कैंसिल हुआ। मैं कह रहा हूँ, जेपीसी का देख लीजिए ना, 2001 से ही घोटाला पर घोटाला, सीबीआई जांच, आज भी तत्कालीन दिलीप प्रसाद जेल में है, तो क्यों जेल में है? इसका कारण है कि जितनी भी नियुक्तियाँ हुई हैं, कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ी है, आम जनता को राहत नहीं मिल रही है। आपको लग रहा है कि इसमें कुछ पैसा का मामला हो सकता है, सीट बचाने का कुछ काम हो सकता है? भाई, बेचा किस लिए जाता है? पैसे के लिए ना। यह दुर्भाग्य है हमारे राज्य के लिए, बेरोजगार भटक रहे हैं सड़क पर। अभी उत्पाद विभाग के बहाली में 19 नौजवान लड़के असमय उनके निधन हो गए। मैं तो कहूँगा कि यह तो संज्ञान में लेकर के हाईकोर्ट कर सरकार को कठोर कार्रवाई के लिए, जो गलत नीति लगा करके जिस तरह से बहाली की जो तरीका हुआ वह गलत था। जो बच्चे अति उत्साहित होकर घर में अपने पेट पालने के लिए अपने माँ बाप के दबाव पर 10-10 किलोमीटर दौड़ गए और समय उनकी मृत्यु हो गई, ये इस सरकार को तो निश्चित रूप से दंडित करना चाहिए इस ऊपर। विधानसभा जीतने बाद बेरोजगारी और पलायन पर क्या काम करेंगे? गढ़वारंका के लिए मेराल के लिए योजना है हमारे पास जी। एक तो किसानों के लिए हम सिंचाई का व्यवस्था करेंगे जी। और दूसरा महिलाओं के लिए हम कुटीर उद्योग बड़े पैमाने पर, कुटीर का मतलब 2 नहीं 1 नहीं, हजारों महिलाओं के लिए मेराल के अंदर हम कपड़ा सिलाई का काम कराएंगे महिलाओं से। प्रखंड के लिए क्या व्यवस्था है? अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रखंड का होगा, जहाँ पर जिसका प्रशिक्षण है उसी को दिया जाएगा, क्योंकि यह महिलाओं की संख्या बुनकर समाज की है, पिछड़े समाज के लोगों का है, जो नित्य इस काम को करते हैं, इसको बढ़ावा दिया जाएगा। गढ़वा के लिए अलग योजना हमारी है। क्या लग रहा है, बेरोजगारी और पलायन इसे रुक जाएगा? निश्चित रूप से, अगर हम खेत में पानी दे देंगे तो जो आदमी मजदूर 3 महीना काम करने जाता है और असमय उसकी मृत्यु हो जाती है, वह क्या कठिन। आज सुबह में हमको जबलपुर से फ़ोन किया किसान, जबलपुर से, कि हम फंसे हुए हैं, हमको निकालिए यहाँ से। आज मैं सुबह की बात बता रहा हूँ, और मैंने प्रयास किया उनको, जबलपुर से बाना के ही रहने वाले हैं, रघुनाथ चौधरी नाम है, मैं नाम भी बता रहा हूँ, आज की घटना बता रहा हूँ। यह नित्य लोग प्रलोभन में चले जाते हैं अपने पेट भरने के लिए, और वहाँ जाके फंस जाते हैं ठेकेदार के चक्कर में। यह नियमित यहाँ का एपिसोड बन गया है। वर्तमान में किसानों की क्या स्थिति है? वर्तमान में ईश्वर की कृपा से बारिश इस बार अच्छी हुई है, इसलिए धान का फसल ठीक है, लेकिन किसान की स्थिति दयनीय इतनी है कि पिछले साल जो धान पैक्स को दिया है उसका भुगतान आज तक जिला प्रशासन के 10 मरते हमने चिनिया प्रखंड के लिए, मेराल प्रखंड के पैक्स को लिए कि भुगतान करा दिए किसान को, अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। कल भी आप देखे होंगे हमारे 11 सूत्री मांग में एक मांग ये भी है कि जो लंबित तो भुगतान है धान का, उसको अविलंब भुगतान करावे सरकार। नया फसल होने को आया, 1 महीना में नया फसल आ जाएगा, अब पुराने फसल का दाम नहीं मिल रहा है, तो ये किसानों के साथ नाइंसाफी है कि नहीं है? अच्छा सर, ये डेमोग्राफी जो चेंज होने के बाद ये सम्मेलन का आयोजन किया गया, कहना क्या है? जनता कह रही है, हमको क्या कहना है, जनता कह रही है ना। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, स्वर्गीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस पर पूरे मेराल की जनता आई हुई थी, सबों ने भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। यह जनता बोल रही है, मैं नहीं, संकल्प लिया है। धरना पर बैठना क्यों पड़ रहा है पूर्व विधायक? धरना पर इसलिए बैठना पड़ रहा है कि यह हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने हमें विरासत में दिया है, आंदोलन करके ही, धरना दे करके अंग्रेजों को उन्होंने भगाने का काम किया था अहिंसक तरीके से। यह हमारा हथियार है धरना। भ्रष्टाचार कैसा चरण सीमा पर है? अब इसकी भी कोई प्रमाण चाहिए आपको क्या? आम आदमी उब गया है इस व्यवस्था से, हर चीज जो अधिकार है वह खरीदना पड़ रहा है, जनता को मिल नहीं रही है, खरीदना पड़ रहा है दाम दे करके। अब इससे बड़ा और कोई प्रमाण हो सकता है क्या? बालू का तो हम नाम ही लेना नहीं चाहते, क्योंकि बालू के कारोबार में 2016 से दोनों लोगों ने संलिप्त रहने काम किया, 2016 से लेकर 2019 तक
पूर्व के श्रीमान जी और 2019 के बाद जो वर्तमान के हैं उन्होंने प्रकाशता पहुंचाने का काम किया है। दोनों लोगों की संलिप्तता है, एक नहीं दो दो हैं इसमें भागीदारी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी परिवर्तन यात्रा, मतलब सेम नाम दिया गया है और आपका भी परिवर्तन यात्रा है, दोनों में क्या है? तीन महीना पहले ही हमारा नकल किया है लोगों ने जी। तीन महीना पहले ही मैंने परिवर्तन यात्रा का स्वरूप बनाया है और मैं प्रारंभ करके अब तो हम लोग दोहरे चरण में जा रहे हैं। पूरे चरण का हो गया कार्यक्रम परिवर्तन का, अब दूसरे चरण में हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं। कल चिनिया में आपने खुद देखा था जी। आज मेराल में है और बाकी जो चार प्रखंड है उसमें होगा। उन लोगों का क्या बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी का जो सेम नाम आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका लोगो इस्तेमाल? उनको कहेंगे कि कोई ऐसा नाम दीजिए जो जनता को लग सके, चूंकि 2016 का ही दिन है। जिस तरह से जमीन का माफियागिरी 2016 से ही प्रारंभ हुआ है, आम गर्मजरुआ जमीन जिसका लाल पर्चा हमने खुद दिया है और उस पर्चा को भी स्थगित करने का काम किया गया है 2016 से, जो आज तक 7 बरस से गिरवी पड़ी हुई है आम जनता की जमीन, सरकार अपने लैंड बैंक में रुके हुई है।